अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी चिक। सना राहिल फिर से हाजिर एक बहुत आसान रेसिपी के साथ। और आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ स्टीम फिश। क्योंकि लास्ट कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने डाइट को लेके अपने कुछ फैंस के लिए, अपने कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स के लिए बनाई हैं, तो आज एक और रेसिपी स्टीम फिश। आप लंच में भी खा सकते हैं, आप डिनर में भी खा सकते हैं और खुल के खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसको खाने में। तो बड़े आसान तरीके से बनाते हैं स्टीम फिश, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ इसमें, किस तरीके से बना रही हूँ, आइए साथ मिल के बनाते हैं। स्टीम फिश बनाने के साथ साथ मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली हैं। मुझे पसंद है वेजिटेबल्स, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है कि आप फ़िश के साथ, क्योंकि पेट नहीं भरता है, तो हम जो वेजिटेबल्स हमारे घर में मौजूद हैं या जो आपको पसंद हैं, आप उनको जो है अपनी स्टीम फिश में ऐड कर सकते हैं और साथ उनको भी स्टीम कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए शिमला मिर्च ली है, और प्याज, हरी मिर्चें, और बहुत सारी मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करके रखी हैं। शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, टमाटर हो गए, और खीरे हो गए, और मैंने कुछ फ्राइज़ लिए हैं, लेकिन मैं इन्हें स्टीम करूँगी। मेरे पास वाइट फ़िश है, आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। मैंने इस फ़िश को नमक और एक चम्मच, खाने का चम्मच सिरका लगा के 10 से 15 मिनट तक इसे डिप करके रखा, और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से मतलब लग जाएगा। अगर ये वेट रहेगी तो मसाला ठीक तरीके से इसमें मिक्स नहीं होगा। मैंने देखें कितने तरीके से इसे ड्राई किया है। अब मैं आती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मसालों की तरफ, जो हम लगाएंगे फिश को। और बहुत कम मसाले हैं, ज़्यादा नहीं हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ खाने का छोटा चमचा, ठीक है, एक खाने का चमचा, जो छोटा खाने का चमचा है, लहसुन अदरक। नमक हम इसमें कम रखते हैं क्योंकि फिश ऑलरेडी नमकीन होती है, ठीक है, हस्बे जायका नमक। हल्दी पाउडर एक खाने का चमचा, ऐसे तो इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं जीरा पाउडर एक खाने का चमचा, सूखा धनिया पाउडर एक खाने का चमचा, लाल मिर्चें, रेड चिली पाउडर एक खाने का चमचा। थोड़ा सा ज़्यादा करी हूँ क्योंकि स्टीम है, तो स्टीम में थोड़ी मिर्चें अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, आप अपना टेस्ट देख लीजिएगा। काली मिर्चें एक खाने का चमचा छोटा, और उसके बाद मैंने लेना है लेमन जूस। लेमन जूस ये देखें, मैंने लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं चिली सॉस थोड़ा सा लेंगे, हस्बे जायका आपको ज़्यादा पसंद है तो ले सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक खाने का चम्मच मामा सिट्टा का, मेरे पास है ये सोया सॉस, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप कोई भी सोया सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी एक से डेढ़ खाने का चमचा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, मैरिनेशन इसके ऊपर तरीके से फिश पे लग जाए वाली। आप देख सकते हैं फिश ड्राई है और सारी मैरिनेशन इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो चुकी है। फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया है, और तकरीबन आप जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जब तक ये फ़िश मैरिनेट हो रही है, तब तक मैं, जो मेरे पास वेजिटेबल्स घर में मौजूद थी, तो मैंने उनको जो है कट करना स्टार्ट किया है। और इसको किस तरीके से फ़िश के साथ सारे वेजिटेबल्स में मैरिनेट करूँगी, मैं कट कर रही हूँ जब तक हमारी फ़िश मैरिनेट होने के लिए रख दी है। तो मेरे पास प्याज है, और प्याज को भी मैंने इस तरीके से कट किया है। इस तरीके से मुझे खाना बहुत पसंद है, और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आती है। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने काट ली हैं, और फिश भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखा है मैरिनेशन के लिए। जितनी ज़्यादा देर फिश मैरिनेट होगी तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अब सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो फ़िश के साथ किस तरीके से उसकी मैरिनेशन को मिक्स करना है देखते हैं।
तकरीबन सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने ज़्यादा ली हैं। आपके पास अगर एक दो वेजिटेबल्स हैं जो आपको खाना पसंद है अपनी डाइट में अपने स्टीम के साथ, आप वही ले सकते हैं। तो सब वेजिटेबल्स जो मैंने कट किया है इसको मैं अपनी फ़िश में मिक्स कर रही हूँ, और एक दफ़ा फ़िश के साथ सारे वेजिटेबल्स को आप ये देखें ताकि जो आपका मसाला आपकी फ़िश पे लगा हुआ है वो सब मसाला थोड़ा थोड़ा आपकी वेजिटेबल्स पे भी लग जाए। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं वेजिटेबल्स। और इसके अंदर मैं एंड में डालूंगी ऑर्गेनो। ऑर्गेनो जो है वो आपकी स्टीम में बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा। ये देखें मेरे पास ऑर्गेनो पाउडर है और मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से ऑर्गेनो हब डाल रही हूँ। और अब मैं इसे स्टीम करूँगी 15 मिनट तक, इसको और छोड़ते हैं ताकि इसका जो सारी मैरिनेशन है सारी वेजिटेबल्स में भी हो जाए और बहुत मज़े का टेस्ट बने। मैंने इसमें से फ़िश निकाल ली है क्योंकि मैं जब फ़िश को स्टीम करूँगी तो फ़िश को मैं पहले स्टीम करूँगी 10 मिनट, क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा स्टीम होके मतलब वो गिर जाएंगी, उनकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो जो मैंने मैरिनेशन की थी उसमें से फ़िश निकाल के मैंने यहाँ रखी है और उसे मैं फॉइल में पैक करके स्टीमर में रखूँगी। फ़िश को मैं फॉइल में इसलिए पैक कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया है, बिल्कुल इसमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं है, फुल स्टीम और डाइट है। मैं स्टीमर में विदाउट ऑयल रख रही हूँ इसलिए फॉइल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसको आप अपनी पतीली में भी फॉइल के साथ रख सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको स्टीमर में किस तरीके से रखती हूँ। स्टीमर में फ़िश को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे अंदाज़ा है कि फ़िश इस अच्छे तरीके से मतलब गल गई होगी। और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक स्टीम करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टीम जब आप खाते हैं तो उसकी फ्रेशनेस कायम रहनी चाहिए। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टीमर में आप रख दीजिए और बस 5 मिनट के बाद आपकी ये स्टीम फिश रेडी। फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं, 15 to 20 मिनट से ज़्यादा आपकी ये स्टीम फिश नहीं देगी। मेरी स्टीम फिश रेडी हो गई है और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने वेजिटेबल्स को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया क्योंकि वेजिटेबल्स गिर जाते हैं, मज़ेदार नहीं रहते। कितने फ्रेश हैं अभी भी ये वेजिटेबल्स, इनको डिश आउट करेंगे और खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं और जो आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी स्टीम फिश रेडी है। 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट आपकी इतनी मज़ेदार सी डाइट, आप खुल के खाएं मज़ेदार किस्म की फ़िश। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए, मैं आपको टेस्ट करके भी ज़रूर बताऊंगी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन कौन सी डाइट डिशेस हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सना राहिल को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिश टेस्ट करते हैं।